This is Richa. Welcome or welcome back to my YouTube channel. तो कैसे हो आप सब लोग? I hope आप सब लोग अच्छे होंगे. मैं भी ठीक हूँ. तो आज मैं जा रही हूँ श्याम बहादुर मूवी देखने. इसका ट्रेलर वेलर मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा कोई आइडिया नहीं है. बस मुझे पता है कि एक्टर विकी कौशल है, इससे ज़्यादा कुछ भी आइडिया नहीं है. तो हम लोग पहले कन्फ्यूज हो गए थे कौन सा मूवी देखे, एनिमल देखे कि ये देखे. तो फिर हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, श्याम बहादुर देखने चलो. तो अभी मैं और मेरी रूम में जा रहे हैं, मेरी रूम में रेडी हो रही है, मैं रेडी हो गई हूँ. और सुबह सुबह उठे ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश हो गया आज कि सुबह उठ गया आज. तो अभी तो मैं रेडी हो गई हूँ, देखते हैं कहाँ कहाँ जाती हूँ मैं. ये ओरियन मॉल में है तो वहाँ जाके देखूँगी मूवी. अभी जाके तुरंत देखना पड़ेगा, 12:15 का शायद टाइम है हम लोगों का. तो अभी 10:40 हो रहा है तो जल्दी निकलना है. और उसके बाद देखती हूँ शाम को कहाँ जाती हूँ. शायद सोच रही थी कि वर्ल्ड सेंटर के सामने थोड़ा घूमूंगी. वहाँ पे मैं एक बार गई थी. तो आप लोग ये ब्लॉग पे बने रहिए, लास्ट तक देखिए. एंड एट लास्ट इफ यू रियली लाइक दिस ब्लॉग देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. तो चलो चलती हूँ, बाय. तो मैं रेडी हो गई हूँ. ये मैं सेकेंड टाइम पहन रही हूँ ये वाला ड्रेस. तो फर्स्ट टाइम मैं पहनी थी मेरे दादा के बर्थडे के टाइम, उस टाइम पे मैं ब्लॉग बनाई थी. और ये मेरा सेकेंड टाइम है. और इसके साथ ये वाला चेन बहुत सूट करता है, ये स्काई कलर है, ये भी स्काई है. तो आप लोग बताओ कि मैं कैसे लग रही हूँ. अभी तो कितने अच्छे से जा रही हूँ, वहाँ जाके ही सब खत्म हो जाएगा, यही होता है. पीछे मेरा व्यू है, ये व्यू तो कॉमन है मेरे ब्लॉग में. मैं अपना आउटफिट दिखाऊंगी. मेरी रूममेट अभी तैयार हो रही है, उस वो तैयार हो जाते हैं फिर उसके बाद. आईना अभी खाली नहीं है. हम लोग पहले बोलते थे ना कि लाइन लगे रहते थे किसी के घर में, एक अगर मिरर हो तो लाइन लगे रहते थे कि कितने लोग जा रहे हैं एक के बाद एक, मेकअप सारी. हम मेरे घर पे तो मम्मी लोगों का बहुत वो होता है, पहले माँ सारी, पहले अम्मा पहनते हैं, फिर माँ, उसके बाद मैं जाती हूँ कपड़े पहन के, बाल वाल ठीक करने, एक के बाद एक. लड़के लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन मेरे को ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है. मैं तो अभी तुरंत रेडी हो गई हूँ, बस मूवी अच्छा हो जाए, वर्थ होना चाहिए, वरना बाद में अच्छा नहीं लगेगा कि फालतू का गया है. लास्ट मूवी मैं यहाँ पे देखा था भारतीय सिटी में, जवान. वो तो बहुत महंगा पड़ा था, वहाँ पर एक्साइट होके चली गई थी, फिर बाद में पता चला नेटफ्लिक्स में ही आ गया. क्या ही फायदा हुआ, होश होश में टिकट कट कर लिए थे. आज वाला सीट अच्छा है, लेकिन लास्ट टाइम जवान मूवी जब देखने गए थे ना, तब था कि एकदम फ्रंट, मतलब देखना ही था, ऐसा टाइप था. तो ये देखो सुबह का व्यू कितना अच्छा लग रहा है. मैं तो रोज सेम ही व्यू दिखाती हूँ, लेकिन अभी एकदम सुबह सुबह का व्यू है ये. और रुको मैं खोलती हूँ विंडो. आज फिर भी थोड़ा धूप है, कल भी आया था धूप, लेकिन परसों ना धूप ही नहीं निकले थे. और आजकल तो बेंगलोर का मौसम ना हमेशा ठंडा रहते हैं, लेकिन वो बारिश वाला ठंडा रहता है, अभी एकदम विंटर वाला ठंडा फील हो रहा है. और ऑफकोर्स अच्छा ही है. ये रहा मेरा सुबह का चाय. तो आज पता नहीं सॉलिड कुछ खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, मन तो नहीं कर रहा उतना, लेकिन भूख भी लगेगा. तो चलो चाय पी के मिलती हूँ. चलती हूँ मैं अभी, ऑटो वाला आ गया. अभी ऑटो बुक किया आज तो एकदम एक मिनट में आ गया, ज़्यादा टाइम लगा नहीं है. देखो निकलते ना निकलते ही ट्रैफिक मिल गया, वही तो शुरुआत है. अभी पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे. Pas de soleil, pas de soleil.
तो हम लोग पहुंचने वाले हैं, ये है मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे सब कुछ आसपास है, इस्कॉन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सब कुछ आसपास। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं। ये वाला रोड मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये है ओरियन मॉल। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो चलो। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं। हम लोग एकदम सही टाइम पे पहुंचे हैं, लाइक उतना लेट हुआ नहीं है। 12:15 का है अभी, तो 11:45 बजने वाले हैं शायद। सो स्टे विथ मी गाइस। ये है मॉल। अभी सुबह का टाइम है, मौसम भी बढ़िया है, अच्छा व्यू आ रहा है। अभी हम लोग बाहर थोड़ा फोटोशूट कर रहे हैं। यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है और सुबह का टाइम है ना, तो मौसम भी बहुत बढ़िया है। तो हम लोग सोचे कि चलो करती हूँ मैं। इतना आराम लग रहा है ना ये धूप, बहुत दिन बाद अच्छा धूप निकला है यहाँ पे। तो चलो अंदर चलती हूँ मैं। बाय। ये है मॉल का एंट्री। ये है एंट्री। हम लोग अभी आ गए हैं अंदर। अच्छा, रिपेयर कॉस्ट ल्यूक्स ओपनिंग शॉर्टली। मेरा ये फर्स्ट टाइम है ओरियन मॉल में। अंदर आते ही बहुत लग्जरी वाला फील हो रहा है। मैं आ गई हूँ अभी अंदर। हम लोग तभी मूवी देखने जाएंगे। अभी जितना पॉसिबल है हम कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर से हम लोग को कुछ शॉपिंग देखते हैं। मॉल काफ़ी सुंदर है। PVR में ही है हम लोग का भी अभी ही शो। आज ना हम लोग डिसाइड किया कि कुछ खाना नहीं लेंगे अंदर। चलो अंदर चलते हैं। फाइनली हम लोग अंदर आ गए हैं। आप देख ही पा रहे हो कितना सुंदर है। तो अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो ओरियन मॉल में, PVR में। तो चलो अंदर चलती हूँ मैं अभी। लाइटिंग वाइटिंग काफ़ी सुंदर है। मेरी रूममेट अभी भी शेड्स पहन के बैठी है। बस मूवी बढ़िया हो जाए यार, वरना बुरा लगेगा। यहाँ से कुछ नहीं खाना आज, तो हम लोग यही डिसाइड करके आए हैं। तो ऊपर वाला अच्छा ही लग रहा है। चलो अंदर। यहीं से खाएंगे ना, कहाँ से खाओगे। इतना भूख लग गया। अभी हम लोग आए हैं इसमें मोमो। हम लोग कुछ कुछ ट्राई करेंगे। हम लोग का खाना हो गया, आ गया है। और देखो क्या क्या आया इस कॉम्बो में। स्टीम मोमो है 2 प्लेट, और ये चिकन मोबर्ग है, और ये देखो पेप्सी।
वो भी जीरो शुगर वाला दिया है ये लोग। चलो सही है, इतना तो जंक फूड खाते रहते हैं। चलो अभी खाती हूँ, भूख लग गई। ये लेकिन बहुत तीखा है, मेरे को तो खा ही नहीं जा रहा। बाप रे, आप खा रहे हो? मेरे को तो ठीक ठाक लगा, इतना खास नहीं। अभी हम लोग लिए हैं ये हेजलनट प्लीज ये वाला, और ये देखो फुल ब्लू आइस ये वाला। काफ़ी वेराइटी तो है। आ गया तो ज़्यादा गर्म कर दिया, बहुत टेस्टी है। तो मैं अपना लिपस्टिक लगा लिया पूरा, आज ना मैं न्यूड वाला लिपस्टिक लगाई थी, और मैं अभी लाइव हूँ मेरे साथ रेड वाले लिपस्टिक, तो वो मैं लगा लिया। और अभी हम लोग फूड कोर्ट से बाहर आ गए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा ज़्यादा जाना है। पता नहीं शॉपिंग का तो कोई प्लान है नहीं, बट देखते हैं जितना कम खर्चा। हमेशा आदमी को कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, आई डोंट वांट टू शॉपिंग। हम लोग जा रहे हैं ज़ारा में, देखते हैं, कोई शॉपिंग का प्लान नहीं है, देखते हैं नॉर्मल क्या कलेक्शन। ये वाले फ्लोर में अच्छा अच्छा कलेक्शन, लाइक अच्छा अच्छा ब्रांड का कलेक्शन है, तो लेट्स गो। तो पता नहीं क्या लूँगी, समझ नहीं आ रहा, तो लेट्स सी। एक ना जैकेट पसंद आया मेरे को वाइट कलर का, इतना सुंदर है वो, इट्स कॉस्ट आई थिंक 4000, बट पैसा इट्स नाइस। देखते हैं अगर कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ गए तो लूँगी। कैमरा ऐसा होता है, समझ नहीं आ रहा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पसंद आया। बस सैटिन का शर्ट मुझे अच्छा लग रहा है, सो लेट्स सी। यहाँ पे परफ्यूम का कलेक्शन है, सो देखते हैं। तो मैं कुछ नहीं ले रही, मैं परफ्यूम बहुत सारा मतलब चेक किया, सारा कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड लग रहा है, तो मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा। और कपड़े में बोलो तो शर्ट अच्छा अच्छा है, बट मुझे शर्ट लेने का एकदम मन नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं ले रही। और मेरी रूममेट आई थी, इसके बर्थडे है सामने, तो बर्थडे के लिए कुछ लेने के लिए, उसको भी कुछ उतना खास नहीं लगा। उसको एक हील्स पसंद आया लेकिन इट्स टू मच एक्सपेंसिव, सो इसलिए वो भी नहीं ले रही है कुछ। बस हम लोग आए, देखे, अभी हम लोग जाएँगे वेरमोडा। मेरा देखो, मेरा उतना कुछ है ही नहीं कि मैं लेना है मुझे, बट मेरी रूममेट को लेना ही था, क्योंकि फॉर हर बर्थडे, सो इसलिए तो मैं भी आ गई थोड़ा देखने। चलो देखती हूँ मैं आप रहो ब्लॉग में। तो यहाँ मैं अपना थोड़ा मिरर वीडियो ले रही हूँ, मैं बंद कर लिया, गर्मी में हालत ख़राब हो रही थी इसलिए। हम लोग कहाँ कहाँ नहीं गए हैं, अभी हम लोग वेरमोडा गए थे, उसके पहले ओनली गए हैं, उससे पहले ज़ारा गए हैं। मेरी रूममेट को कपड़ा ही नहीं पसंद आ रहा है, और जो पसंद आ रहा है वो बहुत महंगा है। धीरे धीरे शाम हो जा रहा है एंड लाइटिंग और ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो अभी हम लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ जा रहे हैं, और मेरी रूममेट फाइनली कुछ लिया है, एक ड्रेस लिया, और हाँ एक ड्रेस ही लिया है बस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ, बहुत सुंदर लाइटिंग है, मैं आपको दिखाऊंगी। स्टे विथ मी टिल देन। तो फाइनली हम लोग आए हैं इस एरिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ, और ये है ओरियन मॉल। तो हम लोगों का ओरियन मॉल में तो हो गया बहुत घूमना फिरना, और यहाँ पे ना एक के बाद एक बहुत सारा रेस्टोरेंट है, और ये रहा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और ये रहा इसका एरिया। फाइनली मैं आ गई हूँ, ये एरिया ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं आई हूँ, मैं सेकेंड टाइम आई हूँ, पहले एक बार आई थी, तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, पूरा लाइक बैकग्राउंड बहुत सुंदर है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड दिस इज़ मी। कितना दिखाऊँ मैं अपने आपको, मेरा बैकग्राउंड बस देख लो आप। कितना सुंदर है, सुंदर है गाइस, आप लोग जरूर आना। जो भी बेंगलोर में आते हैं सब लोग आते ही हैं।
चलो ये जगह तो देख लिया, अभी हम लोग उस तरफ जाएंगे। ये सारा पैरेट है, वाओ। नहीं कितना सही आ रहा है, मैं पहले भी देखा। खत्म हो गया क्या? हाँ देखो इसमें ना ये सारे पेड़ में पैरेट है, देखो देखो देख रहे हो। हाँ सबको, हाँ सबको दूर से लगता है ग्रीन कलर का पेड़ है, लेकिन वो पेड़ नहीं है, पैरेट है। पेड़ है लेकिन वो पत्ता नहीं है। देखो कितना सारा पैरेट। हम लोगों को पैर बहुत दुख रहा है, तो अभी हम लोग इधर बैठे हैं, थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट के लिए फ़ोटो वोटो लिए, मज़ा आ गया, इतना अच्छा व्यूज़ है ना। और अभी हम लोग कन्फ्यूज़ है कि कहाँ जाना है, क्या खाना है। तो यहाँ ना बस 1, 2, 3, 4 ही रेस्टोरेंट है, इतना वैरायटी है नहीं, और मन भी नहीं पड़ रहा है। तो सोच रहे हैं कि ओडियन मॉल अभी पास ही है ना, तो ओडियन मॉल ही चले जाते हैं। तो पंजाबी करके रेस्टोरेंट है, तो वहाँ का सोच रहा है, अभी तक डिसाइड हुआ नहीं। भूख भी लग, भूख नहीं लग रहा है इतना, लेकिन हम लोग का ना चार्ज खत्म हो गया। सारा पैरेट है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कहाँ क्या खाना, पेट भी नहीं भरेगा और उतना वैरायटी भी नहीं है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि चलो घर पीजी चलते हैं वापस। पीजी के सामने एक रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा, हम लोग पहले भी खाए थे, पीजी के ठीक सामने ही है, तो अभी हम लोग वही जा रहे हैं, क्योंकि वरना टाइम वेस्ट होगा, रात भी हो रहा है ना। सो इसलिए अभी कुछ नहीं, अभी यहाँ पे थोड़ा घूमे, थोड़ा बैठे, रेस्टोरेंट के डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। फिर से ओरियन मॉल कौन जाएगा, अभी तो मतलब बस आए थे, तो इसलिए अभी हम लोग मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ जाके ऑटो बुक करेंगे, फिर चले जाएंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यही ख़त्म होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मेन गेट, और वो है ओरियन मॉल का गेट, वहाँ से, यहाँ से ओरियन मॉल जा सकते हैं, एंट्री है, अंदर से भी जा सकते हैं। सो यही है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो चलो अभी ऑटो बुक करना है मेरे को, उतना चार्ज भी नहीं है मेरे फ़ोन में। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम, और मैं आके पहले तो मैं अपना ड्रेस चेंज कर लिया, बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे थे। और आके ना जिस दिन रात को अच्छा खाना मिलता है पीजी में, उस दिन मैं रख लेती हूँ कल के लिए, क्योंकि दोपहर को उतना अच्छा खाना मिलते नहीं, और मेरा ऑफिस भी है कल, तो जिस दिन अच्छा खाना मिलता है उस दिन मैं रख लेती हूँ। तो जैसे आज मिला था अंडा, तो अंडा मैं रख लिया, मेरी रूममेट का भी कल वीक ऑफ है तो उसके लिए भी रख लिया, तो वही है। अभी आई, अभी तो वो रेस्टोरेंट जाना है, रेस्टोरेंट एकदम पास है, वो मतलब एकदम इतना पास है कि मैं इसलिए ये जो ड्रेस है मैं घर का ही ड्रेस पहनी हूँ, वही पहन के चली जाऊँगी। इतना टायर्ड लग रहा है ना, आज सुबह से लेकर अभी तक पूरा टाइम पहाड़ ही थे। तो चलो मिलते हो, मैं मूवी के बारे में बताऊँगी आके, लास्ट में बताऊँगी। तो आप रहो इस व्लॉग में, मैं भी जाऊँगी खाने। आप वहाँ का गार्लिक बटर नान और बटर चिकन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो वही खाएँगे, तो वही दिखाऊंगी मैं आपको। सो रहो आप ब्लॉग में एंड तक। तो अभी हम लोग आए हैं इसमें, अरोमास हैदराबाद हाउस। तो ये देखो, यही है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग अक्सर आते हैं, और ये वाला सीट हम लोग का बुक्ड है, यहाँ पे मैच भी चल रहा है। अभी हम लोग खाने के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूखे हैं। ये रेस्टोरेंट अच्छा है, एकदम पास, अभी तो आई हुई पता, 2 मिनट लगा बस। तो हम लोग आ गया है, ये देखो बटर चिकन, और ये है बटर गार्लिक नान, ये हम लोग का हमेशा पसंद ही रहा है इस होटल रेस्टोरेंट से। तो सब भी हो गया, अभी हम लोग खाएंगे, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है दिखने में, चलो खाती हूँ मैं अब। तो अभी हम लोग खाना खा के आ गए हैं, अच्छा ही लगा। हम लोग जब भी जाते हैं उस रेस्टोरेंट में हमेशा वही खाते हैं, बटर चिकन और गार्लिक बटर नान, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा भूखे भी थे, तो अभी फाइनली पेट भर गया बहुत। तो आज का दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा गया, लेकिन अब मूवी के बारे में बोलूँ तो मुझे ना मूवी मतलब बोरिंग लगा, पहले वाला इंटरवल के पहले जो पार्ट था वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा, उसके बाद वाला जो पार्ट था वो ठीक है, वो अच्छा था,
लेकिन पहले वाला पार्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा। मतलब मैं पहले वाला पार्ट देख के तो सोच रही थी कि यार मैं क्यों आई, इतना बोरिंग लग रहे थे, कुछ स्टोरी भी समझ नहीं आ रहे थे और समझ आ रहे थे भी मतलब अच्छा नहीं लग रहे थे पहले। फिर इंटरवल के बाद ठीक था, उसके बाद थोड़ा मज़ा आया था। तो यही था मूवी। उसके बाद हम लोग खाना पीना खाए फूड कोर्ट से, फिर घूमे फिरे मेरी रूम में, तो घूम घूम के पागल हो गई है, इधर से उधर उधर से इधर, कपड़ा ही नहीं मिल रहा है इसको। तो फाइनली वेबसाइट से इसको एक ड्रेस मिला और मैं कुछ नहीं लिया, मेरा आज कुछ भी शॉपिंग नहीं हुआ है। बस मेरा कुछ था भी नहीं कि शॉपिंग करने का कोई टेंडेंसी, बस मैं घूम रही थी, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा लगता तो मैं लेती। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने तो गई, घूमी फिरी। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, और मैं लाइक डिस्क्रिप्शन में सारा लोकेशन डिटेल डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। तो वही है आज का दिन, स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। मैं आज के व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ, आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। तो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। गुड नाइट, टेक केयर, गुड बाय।